वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 3 आवधिक आकलन सप्ताह 30 रहेगा, हमारा विषय रहेगा पर्यावरण। तो इसमें यहाँ पर बच्चे का नाम और पिता का नाम पूर्ति करने के बाद पहले ही अगर हम कॉलम देखते हैं तो EVS 6.4 लिखित प्रश्न क्रमांक भी दिए गए हैं 5.2 एंड 5.3। तो पांचवें प्रश्न का दूसरा और तीसरा में यदि यहाँ सोलो करते हैं तो सामूहिक उसका यहाँ पर तीनों कॉलम में किसी एक कॉलम में राइट टिक करना है। तो देखते हैं अपन क्वेश्चन 2 और 3 यहाँ पर दिया गया है। डाक पांचवा क्वेश्चन पेज नंबर रहेंगे 327 और यहाँ से ये स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर पेज नंबर दिया है 326। डाकघर में क्या क्या काम होते हैं यदि यह और अगर किसी भवन में आग लग जाए तो आप किस आपातकालीन वाहन को फोन करेंगे, ये दोनों प्रश्न 6.4 और 6.4 EVS यहाँ दिया गया है। दोनों क्वेश्चन यदि सही करते हैं तो यहाँ पर हम स्वयं करता है पर राइट लगा सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा लिखित प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं हम यहाँ पर सही उत्तर चुनकर राइट का निशान लगाइए। यहाँ पर दिए गए हैं घर पर रहने वाले जानवर कहलाते हैं, पानी के बचाव के लिए गिलास में बचे पानी का उपयोग करना चाहिए, लोहे के औजार बनाने वाले कहलाता है, जल संग्रहण के लिए घर में बनाते हैं, आपके दादा के पिता आपके पिता के हैं। पांचों यदि यहाँ सॉल्व कर पाते हैं तो यहाँ रहेंगे कि स्वयं कर पाता है, सहयोग से कर पाता है, नहीं कर पाता है। यदि सहयोग से करते हैं तो फिर यहाँ पर राइट लगा देंगे। लिखित क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 यहाँ पर दिए गए हैं। हीटर से जलता है, बिजली से, परिवेश में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे पर होते हैं, कपड़े की छपाई हमारी है, और 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। परिवार बुजुर्गों की अच्छी करना चाहिए, पानी पर तैरने वाला घर कहलाता है। यदि 5 सही से करते हैं और स्वयं से करते हैं तो यहाँ पर इसमें रहेगा स्वयं से करते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5.4। तो क्वेश्चन 5 इधर दिया गया है और इसका 5.4 इधर रहेगा। यदि आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े होंगे तो आपके पीछे तो आपकी पीछे की ओर कौन सी दिशा होगी, लिखिए। तो यहाँ पर यदि बच्चे इस प्रकार सॉल्व कर पाते हैं और स्वयं से कर पाते हैं तो यहाँ पर राइट। अगला रहेगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कुछ पिक्चर दी गई हैं, इनको यहाँ पर इससे मिलाना है। यदि बच्चे इस प्रकार मिला पाते हैं और स्वयं से मिला पाते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे स्वयं से कर पाते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 5.5। तो यहाँ पर बच्चे 5.5 में आपके गांव या आसपास के 2 दर्शनीय स्थानों का नाम लिखना है। तो अपने अपने गांव के आसपास के दर्शनीय स्थलों के नाम यदि यहाँ लिख पाते हैं और स्वयं से लिख पाते हैं तो यहाँ पर राइट रहेगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 4 और 7, चौथा और सातवा प्रश्न। सबसे पहले देखते हम चौथा प्रश्न। यहाँ पर चौथे प्रश्न में कुछ पहेली दी गई, इसमें से घर या मकान बनाने में काम आने वाली सामग्री पर सर्कल बना के या घोरा बना के और यहाँ बाहर निकालना है। सातवा प्रश्न दिए गए दुपट्टे या गमछों को सजाने के लिए इस पर डिजाइन उनको करना है। दोनों प्रश्न यदि सॉल्व करते हैं और स्वयं से करते हैं तो यहाँ पर राइट का निशान लगाएंगे। लास्ट 5.1 और 6, छठा प्रश्न और पाँचवें का पहला। तो पांचवे का पहला है, आप किस पालतू जानवर को घर में रखना पसंद करेंगे और उसकी देखभाल कैसे करेंगे। तो जिस भी जानवर का नाम लिखते हैं उसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं कि उसको चारा खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे आदि। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, चित्र को देख करके 5 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर बच्चे लिख सकते हैं कि यहाँ पर पेड़ का चित्र दिखाई दे रहा है, पेड़ का तना दिखाई दे रहा है, पेड़ की टहनी दिखाई दे रही है, चित्र में चिड़िया दिखाई दे रही है, घास दिखाई दे रहे हैं, बादल दिखाई दे रहे हैं, चिड़िया पानी पी रहे आदि 5 वाक्य पूर्ति करते हैं। तो यहाँ पर स्वयं से कर पाता है, स्वयं से या नहीं कर पाते हैं तो फिर यहाँ पर राइट हमें लगा सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर ट्रैकर और वर्कबुक की सहायता से ट्रैकर हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब हम बात करते हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2023 विषय पर्यावरण और कक्षा 3। यहाँ पर दिया गया पहला ही क्वेश्चन, छोटे बच्चों को खाना खिलाने क्या खाने नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा रोटी, प्रदूषण रहित वाहन है तो साइकिल, हाकी का जादूगर किसे गया कहा गया है तो मेजर ध्यानचंद, पहाड़ी इलाकों में ठंड से बचने के लिए घर बनाए जाते हैं तो यहाँ पर पत्थर या लकड़ी के, साजिदा की आपा ने उसे सुंदर सा क्या दिया था दुपट्टा, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है तो यहाँ पर लिखेंगे मोर, अपने आसपास की साफ सफाई की जिम्मेदारी हमारी है, सबसे बड़े कान और लंबी नाक वाला जीव है एलिफेंट हाथी, पुराने समय में खाना पकाने के लिए बर्तन मिट्टी के यूज़ किए जाते थे, किसी पता
स्थान का पता लगाने के लिए हम नक्शा मानचित्र या नक्शा का उपयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11, पानी के 3 स्रोतों के नाम लिखिए। तो कुछ इस प्रकार होंगे, अपनी माँ की तरफ के 2 रिश्तेदारों के नाम और उनका आपस में रिश्ता लिखिए। तो या तो मामा मामी नाना नानी है, उनमें रिश्तापन बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन यह रहेगा 13, ब्रेल लिपि का उपयोग किनके द्वारा और क्यों किया जाता है। तो जो यहाँ पर नेत्रहीन लोग होते हैं उनके द्वारा तो ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है, और जो लोग देख नहीं सकते ताकि छू कर पढ़ सके इसलिए किया जाता है। चिट्ठी पढ़ते समय क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, पता स्पष्ट हो, पिन कोड सही हो, लिखावट अच्छी हो, कौन से जीव को घर में रख सकते हैं, किशन बंदरा, गाय, भैंस, बैल, खरगोश, बकरी आदि, जल ही जीवन ऐसा कोई नारा बनना ही है, तो पर्यावरण बचाओ, धरती बचाओ, पानी व्यर्थ न बहाए, बिजली बचाएं, इस प्रकार कोई भी नारा यहाँ पर लिख सकते हैं। 17, आपके आसपास के पेड़ों पर कौन कौन से पक्षी रहते हैं, चिड़िया, तोता, कौवा और भी दूसरे पक्षी भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अलग अलग पक्षियों की चोंच अलग अलग होती है, 3 तरह की चोंच वाले पक्षियों का चोंच का चित्र बनाकर उन पक्षियों का नाम लिखना, नाम यहाँ लिखे हुए हैं, इनकी चोंच बच्चे स्वयं बना सकते हैं। हम उन लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता है, तो यहाँ पर तीनों चीज़ें दी गई हैं जिसके द्वारा मदद कर सकते हैं। निम्न जानवरों से हमें क्या मिलता है, गाय, मधुमक्खी और मुर्गी। अपना परिवार का चित्र वृक्ष बनाएं, तो यहाँ पर एक वृक्ष बनाना है, उसमें अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम लिखने थे। हमें जीवन जीने के लिए कौन सी वस्तुओं की ज़रूरत होती है, 3 बहुत आवश्यक वस्तुओं के नाम लिखिए, जैसे हवा, खाना, सूर्य का प्रकाश बहुत आवश्यक है। बादल आए कविता में कवि को बादलों में से कौन कौन से जीव जंतु नजर आए, तो इतने सारे जीव जंतु नजर आए, एक जीव की बादलों में से आकृति बनाइए, तो यह आकृति भी कॉपी में वह बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 24, आपके रसोई घर में खाना पकाने में उपयोग होने वाले बर्तनों का नाम लिखकर किन्हीं 2 बर्तन का चित्र बनाओ, तो यहाँ पर नाम और चित्र स्वयं बनाएंगे। निम्नलिखित स्थानों में क्या क्या काम होते हैं, अस्पताल, डाकघर, पुलिस थाना, बैंक और स्कूल। लास्ट क्वेश्चन, आपके जिले के 5 दर्शनीय स्थलों के नाम लिखिए, प्रत्येक स्थल के बारे में एक वाक्य भी लिखने हैं, तो ये जिले के हिसाब से अपने 5 दर्शनीय स्थलों के नाम लिख सकते हैं, ये बच्चे स्वयं कर सकते हैं।